वाह जी वाह, ये तो तंदूर में लग रही है। सोना टाइम बाकी दे। डिप्लोमेट्स जो हैं, उनके मिसेज ने ये अपने बच्ची के हाथ भिजवाया है तुम्हारे लिए अभी। अच्छा गिफ्ट, ये पढ़ लो, तुमने पढ़ लेते। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग्स, हाउ इज वर्क? आई एम writing this because I couldn't find your number. I wanted to ask you if you wanted to try this food, Nigerian food, semovita and igusi soup. ये है जनाब swallow food. यार बड़ी मेहरबानी उनकी, मैं मेरे पास है उनका नंबर, तो मैं कह के गई थी ना। जी जी, मैं उनको कॉल करके तो मैं आए, देखते हैं क्या इसमें से। ये तो सूप नहीं लग रहा, इसका मतलब है ये है सेमोवीटा, गरम गरम है। ओ अच्छा, ये मुझे लगा है कुछ खशखास है। सम काइंड ऑफ ग्रेन। और ये है, ये सूप लग रहा है ये। नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे लग रहा है जैसे वो नहीं होता, जैसे हम रोटी खाते हैं ना, तो वो लोग ये देखो, ये ऐसे होता है और ये इसको पकड़ के इसके साथ लगाते हैं, रोटी नहीं होती। दिस इज मीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टेड ऑफ रोटी, रोटी के बजाय ये होता है, ये देखिए। इज दिस राइस? ये सूजी का है। और ये इसके साथ लगाया ये हमने, ये और बड़ी मजेदार। कल दोपहर को खाएंगे। मैं फोन करके, थैंक यू, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही है, थैंक यू सो मच, फूड ऑफ नाइजीरिया इज डिलीशियस। क्या क्या, ये जब अंजू बचपन में ना पढ़ती कम थी लेकिन पास बहुत अच्छे नंबर से जाती थी। हाँ। तो अब्बू कहते कि अगर पढ़ोगी नहीं ना तो फिर बकरियां चराओगी। तो अच्छा। जब कुछ मुश्किल कोई स्टडीज होनी, थैंक यू, कोई मुश्किल कुछ होना तो कहती थी कि अब्बू बस मैं नहीं एग्जाम दे सकती, मैंने पढ़ना नहीं, मैं बकरियां चुराऊंगी। बहुत हंसते थे, चुराना नहीं होता, चराना होता। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। बाजी आसमान बचपन में जब खाती थी ना, तो अगर हाथों में लग जाता था खाना तो अम्मी कहती थी आसमा तुमने हाथ गंदे कर दिए। भाजी कहती थी नहीं, साथ ही फ्रॉक पूरी कहती है, फ्रॉक पूरी के ऊपर कर लेती थी। आप बताइएगा, हम तो एक दूसरे की तारीफें ही करे जा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम दोनों कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच कि आपको हम दोनों अच्छी ही लग रही हैं। और बहुत से लोगों ने कहा है कि बाजी और मैं रिजेंबल भी करती हैं, तो जाहिर सी बात है बहन भाइयों का कोई ना कोई झलक तो एक दूसरे में नजर आती ही है ना।
फुल लुक स्टार्ट हो गया हाँ बस बिल्कुल जाने का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चले और लेंस के आगे उंगली रखी हुई भाजी उंगली आ रही है लेंस में मैंने कहा ये मैं सारी टीम ये हम मैं सारे अस्सलाम वालेकुम हाय सो हम सारे के सारे रेडी हैं और हम निकल रहे हैं फॉर डिनर तो हमारे साथ ही रहे चलें जी लेट्स गो जी क्या कर रही हो मैं आलिया को हैप्पी एनिवर्सरी ओह यस यस हैप्पी एनिवर्सरी आलिया और सलमान और आलिया बाकी तुम्हें याद है हमारी हमारी एनिवर्सरी क्या डेट होती है मेरी और मुजीब की हाँ तुम्हारी इसलिए याद है कि 8888 यस वेरी नाइस लेकिन अच्छा मैं भाई मैं कन्फेस करूंगी कि मुझे मंजर भाई और बाजी की एनिवर्सरी की डेट नहीं याद लेकिन ये याद है कि सर्दियां थी और तुम्हें ये याद है कि वो मेरा आखिरी वाइवा तुमने तैयार कराया था मेरा जी क्योंकि मुझे वो चोटें लग गई हुई थी ईएनटी का जी जी बिल्कुल 28 दिसंबर को और 4 जनवरी को हमारी 4 जनवरी को शादी थी कपड़े हमने जो पहने हुए थे ना शिफोन के हैं मंदिर भाई जी जी तो अब्बू ने कहा कि भाई तुम लोग स्वेटर पहन लो ऊपर और कोट पहन लो तो अम्मी ने कहा की पे कहंदे हो ए शादियां दे कपड़ों दे उत्ते स्वेटर नहीं पाई दे तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है फिर अपनी कुल्फी जमा ले हमने कभी हमारी पावे कुल्फी जम जाए बर्फ जम जाए लेकिन लेकिन कपड़ों के ऊपर हमने कोट और स्वेटर नहीं पहनने ये जी हम रवा दवा है टूवर्ड्स जा रहे हैं हम डिनर पे सरीना सब मिलके सब मिलके बोलो सरीना आफत छोड़ दी मखे मैंने ये तो इस्लामाबाद सरीना बहुत ज्यादा जो है ना पीछे क्या है किथे वो जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो भी सरीना ही है सरीना पूरा उधर नंबर 4 गेट है मैं समझ यहां फूड वाले वहां 4 से हम एंटर और मोस्ट वाला गेट में तो डिफरेंस है ये हमारा टेबल है अभी हम अपने ना आसमा बाजी ने के फ्रेंड्स ने भी आने जी हमने कहा हम आपको सरीना का वॉशरूम भी दिखा दें और ये हमारी हो गई वॉशरूम सेल्फी हेलो अब जा रहे हैं आई थिंक सूप से स्टार्ट कर लेते हैं सैलेड्स अब मैं एक कमेंट्री करता हूँ नहीं बोले कैसा है मंजर भाई कैसा है मैंने चखा नहीं है वैसे आप आपने पहले चख लिया लुक गुड अंजुम इज बिजी इन सूप अलोंग विद आसमा मंदिर भाई ये दोनों क्या कर रही थी देर से वहाँ पे ठीक ये दोनों खवातीन आपस में
दोनों बहनें कह रही थी कि वो मैंने दोनों बहनें देर बिजी टेबल चेंज करना है तो वो टाइम आ रहा है ये जी खीर नो नेम पेस्ट्रीज के ऊपर आई थिंक ये सब ये है अगेन पेस्ट्रीज केक खीर इनका नाम नहीं लिखे हुए इन्होंने नाम नहीं लिखे हुए इनका ये भी केक है ये भी केक है ये है पाकिस्तानी स्वीट्स नाम ये पाकिस्तानी स्वीट्स है देख लें आप ये शीर कौरमा मुझे पता है लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है इधर अगेन स्वीट्स ये मिठाई है मिठाई अगेन सम केक दिस इज फ्रूट कॉर्नर मिक्स फ्रूट फ्रेश फ्रूट कट्स इधर आप चॉकलेट पुडिंग दिस इज चॉकलेट पुडिंग दिस इज वॉलनट हलवा जनाब अखरोट का हलवा जिसे कहते हैं ये सब अगेन टॉपिंग्स हैं एंड दिस इज द आइसक्रीम इफ यू वांट टू हैव आइसक्रीम have ice cream with different toppings ye hai cherry sauce black currant sauce and strawberry sauce cherry black currant and strawberry puri bhaji asma aur bhaji asma ke sath bhaji ki friend hai samina aur ye hamare pyaas bhi hai और ये इत्तेफाक से इस दफा ये बड़ी फिक्र करते थे कि मैंने घर बनाना है घर बनाना है घर बना रहा हूँ मैं ये घर उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है अल्लाह ताला उन्हें रहना हमने कहा आज जाके देख ही लेंगे ये कैसा घर बना और मैंने मिस कर दिया एलिवेटर वाले घर ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में आई विश मैं भी जाती सुने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है वो दिखाया मैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट क्लिक दिखाया तो कुछ तैयार ही नहीं भाई आपको नया घर मुबारक हो बहुत बहुत ये मुझे हर दुनिया की हर गम से वो कहते हैं ना हम हो के तो ये अपनी प्लेट भर के ले आए उनके ऐसी तैसी फेर के मैनेजर की ये आपने कैप्टन स्टैंडिंग फॉर 15 मिनट्स आई टोल्ड इट देयर इज नो प्लेट 10 पीपल आर स्टैंडिंग हियर छोटी एक प्लेट में रखी हुई इसका पूरा आर्किटेक्चर सॉरी करिए अभी अच्छा चले कोई बात नहीं मुझे बिल्कुल तो कहना यही है जो अपना प्यासा भी थी उनको डांट के आए क्योंकि वहां प्लेट नहीं थी इसलिए आपको नजर आ रहा होगा कि मुझे थोड़े अनॉयड है जी भाई मैं आपकी प्लेट कर ये है जी मेरी सैलेड की प्लेट ये ग्रेन सैलेड है ये पपाया है ये मेलन है और ये सारे चिक पीस वगैरह हमस दिस इज ऑल सैलेड भाई आपको डिनर प्लेट मिल गई हाँ जी नहीं बहुत आई है जी मैंने कंप्लीट की अच्छा नहीं आपकी तो प्लेट सही है हम तो ये डिजर्ट वाली प्लेट में देखे ले आए हैं देखो मुझे पता है जी ये इनको कैसे हैंडल करना है ये कैसे हैंडल करना है 35 इयर्स एक और 40 इयर्स हो गए जी फाइव स्टार होटल में बिलीव करते हुए अच्छा हां जी मुझे पता है कि इनकी आई थिंक वी शुड गिव अ रिव्यू है ना मंसूर साहब को पता है कि मुझे पता है इनकी नब्जे कहाँ है जी ये तो अभी आप दिल्ली में से करते हैं
मंजर भाई आपको भी डिनर प्लेट मिली है? चले अभी मिली है, लाइक आफ्टर स्ट्रगलिंग हाफ एन आवर के बाद शो में जाके सर सही है। और अभी भी लाइक लोगों ने ऐसा रश किया और फिर फिनिश हो गया अगेन दे दिया लाइन अप। ये मुझे लगता है कि इनसे हैंडल नहीं हो रहा आज, या तो क्राउड ज्यादा है। नहीं बट देयर इज नो रिस्पांसिबल पर्सन, और डिश जो आज लाइक लोग ले गए तो बाकी वो खाली है, उनको फिल अप नहीं हुआ। फिल अप तो होना चाहिए। आज तो बहुत रश हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा रश, पूरा इस्लाम इधर ही आ गया। मेरे साथ उनसे मैनेज भी नहीं हो रहा, उनकी हालत है। उनको पता भी नहीं चल रहा है कि मामा दिल हो रहा ही नहीं। तुम्हारे को जो एक पत्रों से तुम बातें कर रहे हो, कौन थी वो? मेरी एक सब्सक्राइबर। अच्छा, जब वो जब हम बैठे हैं ना जी, सामने बैठी हुई है जी, वो घूमती जा रही है, वो यही वो असल में सब्सक्राइबर है। काफी कस्टमर आमना का आ गया फोन। मेरे पास तो है, मैं भी जाके लेके आती हूँ बाकी डिनर। मुझे कैसा है टेस्ट? ये जी बाहर का मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, बड़े खूबसूरत बाहर का भी नज़ारा। ये है जी सैलेड्स का कॉर्नर, टमाटर, आइसबर्ग, चिकन, चीज। ये है जी थाई नूडल, ये भी खीरा, ग्रीन सैलेड, ये है जी एप्पल एंड कैबेज सैलेड, ये है ये एग सैलेड, ये है जी ये कॉकटेल सॉस है, ये देखिए जी टमाटरों का हमस, सारा सैलेड। दही पुलकियाँ, चने, दाल, टमाटर, चटनी। सबसे पहले है ये चिकन सिंधी बिरयानी। फिर यहाँ आ जाते हैं जी, ये है स्टीम्ड राइस, ये जो है बेक्ड, ये बेक्ड पास्ता है और ये साथ फिश है लेमन फिश। ये है चिकन, ये है जी पिटा सॉस में चिकन। हाँ जी चिकन है, इसी सॉस के अंदर चिकन है। वाह जी वाह, लुक्स यम्मी, अभी ट्राई करेंगे। व्हाट इज दिस? शोरमा बीफ, ये दिस इज बीफ, बीफ स्टू है और ये चम्मच इज नॉट पार्ट ऑफ इट, ये अंदर गिर गया। हाँ गलती से। वैसे मुझे बड़ा रश है इनके, बहुत रश है, बहुत अदर है। ये है जी, ये है चिकन हांडी लजीज, दिस इज चिकन हांडी। आगे आ जाते हैं आलू, आगे आ जाती है जी ये दाल, नमकीन दाल माश,
ये देखिए मैं गौर से देखी, ये दाल माश, ठीक है। ये है जनाब अली मटन कोरमा, ये मटन कोरमा है। ये है जी कीमा, बीफ का कीमा है, बीफ कीमा, और इसमें से बड़ी यमी खुशबू आ रही है। ये देखिए जहाँ बच्चे होंगे वहाँ पे क्या होगा, पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा। हम आ जाते हैं जी यहाँ पर है, दिस इज सब्जी, दिस इज सब्जी, ओके। ये भिंडी है, ये गौर से देखिए भिंडी है। व्हाट इज दिस? ये है जी, दिस इज शेफ से मांग पूछते हैं क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बन रहा है मैडम? ये ड्रम स्टिक, चिकन ड्रम स्टिक। ओह वाओ, इज इट गरम है अभी? यस मैडम। चलिए मैं ठीक किया, दोबारा आपको नेक्स्ट फिट देगा। थैंक यू सो मच, ये आपको फ्रेश फ्रेश करके दे रही है। थैंक्स, वाओ, हाय हाय हाय, थैंक्स। फ्रेश रोटी भी लगने लगी है, ये देखें। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं क्लोज अप करके, ये देखें। वाह जी वाह, ये तो तंदूर में लग रही है, आई थॉट तवे पे होगी। आपका हाथ नहीं जलता? नहीं मैडम, इधर प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाता है। मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, यस, थैंक यू, वेलकम। यहाँ हमारी चिकन भी हो रही है। मैं पेशावर का हूँ। पेशावर के तो पश्तो जी, पता नहीं सोना टाइम बाकी दे। दो मिनट मोर टाइम स्टार्ट है। हाँ जी, दो मिनट स्टार्ट है। रोटी भी हमारी बन गई है, क्या है? किसी प्लेट में जी? किस नहीं, अलहदा प्लेट में रख दें, ये फुल है। okay. ये देख यू गो, ये बन गई गरम गरम। थैंक यू, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, ये कहाँ से बनवाए हैं? ये सामने जो स्टेशन है वहाँ पे ये बना रहे हैं गरम गरम, और साथ ही तंदूर में रोटी लग रही है। ओके, ले लो। ये किस तरह से खाते हैं जी? ये किस तरह से खाते हैं भाई? ये मुर्गी की टांग है ऐसे। बाजी लेके आ गई है डिजर्ट। बाजी क्या क्या है? ये आइसक्रीम है, ये ब्लैक करंट जेली है, ये फ्रूट्स हैं, ये वॉलनट हलवा है। वॉलनट का हलवा? हलवा यार, ये खाने वाली। और ये कैरेट एंड एप्पल जूस। कैरेट एंड एप्पल जूस, वाओ। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारा खाना अंजुम? बस मुझे अब ये लास्ट वाला वो चल रहा है। There are two types soups available. One is the cream soup and other one is chicken vegetable soup. दिस इज चिकन वेजिटेबल सूप। इसके साथ ये इन्ग्रीडियंट्स हैं, ये आप इसके अंदर डालें। ये चिकन पीसेस, दिस इज बटर,
different types of breads hain. This is French bread rolls. This is rye bread rolls. This one is rye bread rolls. These are the sticks. This is herb bread rolls. Herb bread rolls. This is the sesame bread rolls. ये है जी मेरा डिज़र्ट. ये है जी आइसक्रीम विद सॉसेस, शीर खुरमा, मिक्स फ्रूट, वॉलनट का हलवा, चॉकलेट पुडिंग. तो कैसा है अंजुम, बताया नहीं. गुड बहुत मजा आया. क्राउड ज्यादा था जब हमने पता किया है, अभी जाकर थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज यूज किए हैं कि चेक करें कि ये क्या यहाँ पे सीन है, तो पता चला कि यहाँ पे शादी का क्राउड है. लेकिन अच्छा लगा, खुशी का माहौल था, सब लोग मिलके खा रहे थे. थोड़ा सा प्लेटें वगैरह शुरू में नहीं मिली, लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग. अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा और हम इतना अच्छा खाना खाते हैं रोज़ाना. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अपनी दुआओं में याद रखें. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज. नहीं जी, खाना शाना खा के मैं तो बाहर आ गया हूँ. मैंने कहा जरा बाहर के मज़ेदार मौसम हुआ है और इट्स ब्यूटीफुल एम्बियंस. ये बाहर से बहुत ही प्लेजेंट हवा चल रही है. आई विश कि मैं आपको फील करवा सकती वो हवा. ये देखें फाउंटेन्स की आवाज़. ये देखें, हमने कहा थोड़ा सा बाहर भी निकलते हैं. बाहर निकले हैं तो इट्स सो प्लेजेंट. आई विश कि मैं आपको ये फील करवा सकती, ये लाइट सी ब्रीज जो चल रही है अक्टूबर वाली. और यहाँ पे हम सारा मेरी गोल्ड लगा हुआ है. एंड एज अगर आप गौर से सुने तो आपको पानी की आवाज़ भी आएगी, जो कि इधर और इधर फाउंटेन्स हैं बहुत ही खूबसूरत से. तो आई होप कि आपने आज का हमारा ये वाला व्लॉग पसंद किया होगा. और ये है जनाब बाजी और समीना. अच्छा मैंने मार्केटिंग. वाह भाई वाह, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई बिल्डिंग? नहीं अभी नहीं. देखे कितने अच्छे इसके लाइटें जल बुझ हो रही हैं गाइस.